हेलो, जय हिंद। आप सभी अभिभावकों को दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत नमस्कार। मैं विकास यादव, डायरेक्टर एकेडमिक्स द्रोणाचार्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आप सभी अभिभावकों का इस वर्चुअल मीटिंग पर, इस वीडियो पर मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, काफी दिनों से हम आपसे बातचीत नहीं कर पाए और जितनी भी बातचीत हम कर पाए हम वर्चुअली कर पाए, क्योंकि बड़ा लंबा समय हो गया है स्कूल ओपन हुए। पिछले 6 महीने से लगातार स्कूल बंद हैं और बच्चों की पढ़ाई का लगातार नुकसान होता जा रहा है। ऑनलाइन क्लासेस में एक चीज़ जो हम देख पाए हैं, जो मैं समझ पाया हूँ, वो ये समझ पाया हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस में जो बच्चे सीरियस हैं वो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए हैं, या वो किसी कारणवश नहीं कर पाए या जानबूझ करके नहीं कर पाए, कोई ना कोई कारण जरूर है। तो ऐसे में बच्चों का आज के टाइम पे नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है और 9th to 12th के एग्जाम्स भी होने हैं, और ये जो 3 साल हैं, 9th 10th, 4 साल हैं, 9th 10th 11th 12th, ये बच्चे की ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण सालों में से गिने जाते हैं, क्योंकि बच्चा डिसाइड करता है कि उसका करियर किस तरीके से जाएगा। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि हरियाणा न्यूज़ पे मेरी ये 8वीं डिबेट थी, और हर डिबेट के अंदर आप सभी ने इतना प्यार दिया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सराहा कि हरियाणा न्यूज के थ्रू मैं अपने विचार स्कूलों के बारे में मैं रख पाया, हरियाणा को रिप्रेजेंट कर पाया। तो वहां पर भी जाकर के मैंने यही बोला है कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा चांस है कि हम बच्चों की हेल्थ को देख करके, बच्चों के स्वास्थ्य को देख करके अगर हम स्कूल्स को ओपन कर सकते हैं तो ओपन करने चाहिए। MHRD की गाइडलाइंस और हरियाणा गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप सभी को ये जानकर बड़ा हर्ष होगा कि आपका स्कूल 1 अक्टूबर से 9th to 12th के बच्चों के लिए स्कूल्स ओपन करने जा रहा है। और बहुत बड़ा चैलेंज इसके अंदर क्या आ रहा है कि बच्चे स्कूल कैसे आएंगे, माता पिता के साथ कब उनको वो छोड़ के जाएंगे। सो आपकी इस प्रॉब्लम का समाधान आपके विद्यालय ने कर दिया है। 1 अक्टूबर से हम रेगुलर बसेस की फैसिलिटी आपके बच्चे के लिए देंगे, और जितने भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि हम अपने बच्चों को ज़्यादा लंबे समय तक घर नहीं बिठा सकते। रिसर्च ये कहती है वैक्सीन आने के बाद भी हम कोरोना को खत्म कर देंगे, पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो 135 करोड़ है, और वैक्सीन आने में हम कितनी वैक्सीन लगा पाएंगे, हम आज तक 6 महीने में उतने टेस्ट नहीं कर पाए। सो इस बीमारी को जड़ से खत्म करना अभी के लिए मुझे लग नहीं रहा है कि संभव हो पाएगा। तो जरूरी नहीं है कि कोरोना अगले साल खत्म हो पाएगा, उससे अगले साल खत्म होगा, कोई भी नहीं जानता है इसके बारे में, क्योंकि रोज रिसर्च बदल रही है। तो हमारे को अपने बच्चे के भविष्य के प्रति एक डिसीजन लेना है कि हमें उसको स्कूल्स भेजना पड़ेगा। तो हमने आज गूगल फॉर्म के ऊपर एक रिसर्च कराया, एक सर्वे कराया, और मुझे बड़ा अच्छा लगा उस सर्वे का रिजल्ट देख करके। 60 बच्चों का अभी तक मेरे को रिस्पॉन्स मिला है, क्योंकि आज ही हमने 2 घंटे पहले फॉर्म दिया है, और 87% बच्चे स्कूल आना चाहते हैं। 5 बच्चे ऐसे मिले जो शायद भेजेंगे, नहीं भेजेंगे, और एक पेरेंट ने मना भी किया है कि हम स्कूल शायद नहीं भेजेंगे कोरोना की स्थिति को देखते हुए। लेकिन आप सभी पेरेंट्स बड़े पॉजिटिव हैं, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। आपके स्कूल के अंदर 3 गेट्स हैं, तीनों गेट्स के ऊपर हमने ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन्स लगा दी हैं, सो दैट कोई भी आने वाला अपना हैंड सैनिटाइज कर पाएगा। हम हर व्यक्ति को स्कूल के अंदर थर्मल स्कैनिंग के साथ घुसने देंगे और प्रॉपर सैनिटाइजेशन के बाद घुसने देंगे। हर क्लासेस में हम प्रॉपर सैनिटाइजेशन करा रहे हैं। बेंचों की व्यवस्था कुछ इस तरीके से कर दी गई है कि बच्चा अपना बेंच एक दूसरे के साथ ना बदल पाए, उसका बेंच हमने फिक्स कर दिया है ताकि वो बच्चा उसी बेंच पर जाके बैठेगा। मैं आपको बता देता हूं कि हमने पूरी तैयारी करी है ताकि आपका बच्चा कहीं पे भी भीड़ में सम्मिलित ना हो पाए। बसेस के अंदर भी हम कोशिश ये कर रहे हैं हर टीचर की ड्यूटी लगाई जाए और हर बच्चा अलग अलग सीट के ऊपर बैठ करके आए। स्कूल के अंदर हम लंच ब्रेक नहीं करेंगे। हाँ, हम एक टीचर की ड्यूटी जरूर लगा रहे हैं, क्योंकि लंच ब्रेक को हमने एक पीरियड के साथ क्लब कर दिया है ताकि टीचर वहां खड़ा होकर के ये इंश्योर करेगा कि कोई भी बच्चा अपना लंच शेयर नहीं कर रहा है, कोई भी बच्चा अपनी वाटर बॉटल शेयर नहीं कर रहा है। हम कोई भी वाटर ब्रेक अपने स्कूल में नहीं दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि पीरियड के दौरान टीचर एक एक दो दो बच्चों को पानी पीने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन ये कहती है कि बच्चा बोतल का यूज करे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से क्या क्या चीजें दे करके अपने बच्चे को भेजना है स्कूल में। सो हम कोई भी ब्रेक, कहीं पे भी मॉर्निंग असेंबली या कोई भी इवेंट यहाँ जहाँ बच्चों की भीड़ हो, ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है कि बच्चा आए,
खुली जगह में बैठे किसी के कांटेक्ट में ना आ पाए, और जितना कि मैं समझ पाया हूं मास्क लगा करके इस बीमारी से 90% तक बचा जा सकता है। तो हमने अपने स्कूल में हर किसी व्यक्ति के लिए मास्क को मैंडेटरी कर दिया है कि मास्क हर किसी बच्चे के पास, टीचर के पास, सफाई कर्मी के पास, ड्राइवर के पास, कंडक्टर के पास मास्क होना अनिवार्य है। आप लोगों को क्या तैयारी करनी है इसके लिए मैं बता देता हूं। शायद हम अल्टरनेट डे के ऊपर आपके बच्चे को स्कूल में बुला पाएंगे, मतलब एक दिन एक बच्चा आएगा, दूसरे दिन वो बच्चा नहीं आएगा, फिर थर्ड डे आएगा, फोर्थ डे नहीं आएगा, फिफ्थ डे आएगा, सिक्स्थ डे नहीं आएगा। कारण ये है कि हम भीड़ नहीं इकट्ठी करना चाहते हैं। तो आप लोगों में से बहुत सारे पेरेंट्स के सवाल ये हो सकते हैं कि अगले दिन ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। जी नहीं, अगले दिन हम ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी नहीं दे पाएंगे। हम बच्चे को स्कूल से काम दे करके भेजेंगे ताकि नेक्स्ट डे वो काम कंप्लीट करके लेके आएगा। घर पर आप इंश्योर करेंगे कि जो काम उसको स्कूल में दिया गया है वो उसकी अच्छे तरीके से पढ़ाई करे, और नेक्स्ट डे अगला बच्चा आएगा, क्योंकि टीचर अगले दिन भी क्लास में पढ़ा रहा होगा तो दो जगह वो क्लास नहीं ले पाएगा। सो जितना भी होमवर्क है वो हम ऑनलाइन भेजने की ट्राई करेंगे, लेकिन आपका बच्चा अल्टरनेट डे पे क्लासेस में आएगा। जिन क्लासेस की स्ट्रेंथ कम है, एक एक सेक्शन है, कम बच्चे हैं, उनको हम रेगुलरली क्लास में बुलाएंगे। मैं आपको बता देता हूं, प्लस वन कॉमर्स, प्लस टू कॉमर्स, प्लस वन आर्ट, प्लस टू आर्ट, ये रेगुलर रूप से स्कूल में आएंगी। लेकिन जो 9th और 10th क्लास के बच्चे हैं उनमें ज़्यादा बच्चे हैं तो उनकी लिस्ट आपके पास हम भेज देंगे कि कब कौन सा बच्चा आएगा, वो प्रॉपर लिस्ट आपके पास आएगी। आप प्लीज़ सर्कुलर हमारे देखते रहें, कैजला एप्लीकेशन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आप रेगुलरली कनेक्टेड रहें, जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको वहां से मिलती रहेंगी। सो ये तो हमने बातें की स्कूल्स ओपनिंग के बारे में। मेरी आपसे नम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चों को स्कूल्स में भेजें, रेगुलर भेजें। 9th to 12th आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साल है। दूसरा, मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, आपका स्कूल कोई एक भी ऐसी गलती नहीं करेगा जिससे आपके बच्चे के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो पाए। हम हर चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर आप आना चाहते हैं तो आप प्रॉपर फ़ोन कीजिएगा रिसेप्शन के नंबर पर। स्कूल्स के अरेंजमेंट्स आप देखना चाहते हैं, प्रॉपर गाइडलाइंस के थ्रू हम हर चीज़ की गाइडलाइन डिस्प्ले कर रहे हैं, सो दैट एक बच्चा कहीं पे भी कांटेक्ट में ना पाए। पहले दिन हम हर बच्चे के लिए सेमिनार करेंगे, हर बच्चे को ये अवेयर करेंगे आपको कहां जाना है, क्या करना है, मास्क किस तरीके से लगाना है, क्योंकि बच्चों की ये काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक उसको मास्क लगाने का सही मतलब समझ नहीं आएगा वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर सकता है। मैं आपको ये ट्रस्ट दिलाता हूं कि आपके बच्चे को गड़बड़ नहीं करने देंगे, उसको सह सलामत हम आपके पास भिजवाएंगे और उसको सह सलामत वहां से पिक करेंगे। सो ये तो थी स्कूल खुलने की बात। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं 9 टू 12th के रजिस्ट्रेशंस अभी चल रहे हैं, क्योंकि हम काफी टाइम से लगे हुए हैं, और काफी टाइम से इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि हम जानते हैं इस प्रोसेस में बहुत लंबा समय लगता है। हम हर साल देखते हैं, जब हमारे पास बच्चे होते हैं, हमारे सामने होते हैं, तब हमारे को एक महीना लग जाता है, तो अब तो हम दूर थे। तो हमने बहुत पहले से रजिस्ट्रेशन चिल्लाना स्टार्ट कर दिया था ताकि आपके बच्चे की डिटेल्स दुरुस्त हो पाए। आपको बार बार स्कूल भी आना पड़ा क्योंकि काफी सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, रजिस्ट्रेशन पे साइन करना पड़ता है, डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, काफी सारी चीजें इसके अंदर हैं। तो आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूं, जिन लोगों ने 9 टू 12th रजिस्ट्रेशन फीस या बोर्ड की एग्जाम फीस सबमिट नहीं कराई हो, प्लीज करा दे, क्योंकि इसके ऊपर बहुत भारी पेनल्टी है। 2,000 रुपीज तक की लेट फी फाइन है, जो आपके लिए देना मुसीबत में आपको लेकर के आ सकता है। प्लीज आप अपने बच्चे के रजिस्ट्रेशन के लिए थोड़े से सीरियस हो। हमें हर बच्चे का डेटा काउंट करना है। आप नहीं आ पाओगे, हमें लगेगा बच्चा पता नहीं स्कूल छोड़ गया या यहां है। अगर आपका बच्चा कहीं चला गया है, किसी दूसरे विद्यालय में चला गया है, 3 दिन का समय है, उसके बाद एडमिशन नहीं हो पाएगा। मेरी आपसे गुजारिश ये है, आप प्लीज विद्यालय में आए, उसकी डिटेल्स आप वेरीफाई कराएं। अगर वो बच्चा स्कूल छोड़ना चाहता है, छोड़ गया, तो उसकी SLC लेकर के आप जाएं। अदरवाइज ये आपके बच्चे की साल को खराब कर सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए है। स्कूल खोलने के लिए हमने आपको 2 फॉर्म भेजे हैं, एक डिक्लेरेशन फॉर्म भेजा है, प्लीज आप उसका प्रिंट आउट निकलवाएं, उसकी सारी डिटेल्स को भरें, और नीचे अपने फादर और मदर के सिग्नेचर, बच्चे के फादर और मदर वहां पर सिग्नेचर करके वो फॉर्म बच्चे को दे दें, ताकि उसमें ये लिखा गया है कि हाँ, हम अपनी सहमति के हिसाब से बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, ताकि हम उस बच्चे की पढ़ाई करा पाए। अगले टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं, एग्जाम्स। काफी बच्चे एग्जाम्स नहीं दे पाए, बहुत सारे पेरेंट्स के मेरे पास कॉल आए, स्कूल में कॉल आए, इवन डायरेक्टर सर इज सेइंग कि एग्जाम्स का कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि काफी बच्चों का टेस्ट ओपन नहीं हो पाया। और मैं कहीं ना कहीं स्कूल की भी थोड़ी बहुत गलती इसके अंदर मानता हूं, क्योंकि
टीचर्स टेक्नोलॉजी के लिए प्रिपेयर नहीं थे, किसी ने कोई गलत लिंक पेस्ट कर दिया, कोई एग्जाम टाइम पे नहीं हो पाया, मैं इसके लिए आपसे माफी मांगता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे आने वाले टाइम में हम जब भी ऐसा कोई काम करेंगे तो आपको इस तरीके की मुसीबत नहीं देखनी पड़ेगी, हम उसको पूरा दुरुस्त करके कार्य करेंगे। ये हमने यहां से सीखा है। और आदमी चाहे वो हम हैं, चाहे आप हैं, चाहे बच्चे हैं, हम जिंदगी भर सीखते हैं। हो सकता है हमारे से कुछ गलतियां हुई होंगी, तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं आगे आने वाले टाइम में जितना भी कार्य आप देखेंगे वो 100% परफेक्शन के साथ देखेंगे, क्योंकि टीचर्स ने किसी ने गलत लिंक पेस्ट कर दिया, क्योंकि हम भी एक दूसरे के सामने नहीं थे, हम भी टेक्नोलॉजी के थ्रू वर्चुअली मीटिंग करते हैं, तो आधे लोग उसको कुछ सही समझ पाते हैं, कुछ गलत समझ पाते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। हमारे को भी शायद आपने कई जगह गलत समझा होगा, हम ठीक होंगे, आप ठीक होंगे, हो सकता है स्कूल्स ने आपको गलत समझा होगा। तो मेरी आपसे गुजारिश यही है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जो लोग एग्जाम से वंचित रह गए उनका एग्जाम्स कराने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तीसरी चीज, जिन लोगों ने अपने बच्चों की फीस क्लियर कराई है तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप अपना राइट हैंड आगे निकालिएगा और अपनी फीट को थपथपाइएगा और बोलिएगा कि वेल डन, गुड जॉब, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना साथ दिया कि आपका विद्यालय टीचर्स की सैलरी 50% सैलरी टाइम पर दे पाया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं 50% सैलरी से उनका गुजारा नहीं होता है, 6 महीने से वो बेचारे 50% लेकर के डबल काम कर रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अगर समर्थ है फीस देने में, क्योंकि मैं चैनल्स के थ्रू यही कहता आया हूं, अगर आप समर्थ हैं तो प्लीज अपने बच्चे की फीस क्लियर करें ताकि उस टीचर को पूरी सैलरी मिले और वो जोश और जुनून के साथ इन बाकी बचे हुए 6 महीनों में आपके बच्चे को वो सब सिखा पाए ताकि उसको 6 महीने का नुकसान ना हो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर स्कूल खुले, रेगुलर रूप से खुले, आपके बच्चे का इतना सा भी सिलेबस नहीं रहने दूंगा। आपके बच्चे की जो सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसका सिलेबस कंप्लीट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसको पूरा कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैं लेता हूं। अगर आप 6 महीने बाद आकर के मेरे से मिलेंगे, मैं आपके चेहरे पर, आपके बच्चे के चेहरे पर वो मुस्कान देखना चाहता हूं, वो खुशी देखना चाहता हूं, और आप ये बोलते हुए आएंगे, सर आपने बोला था कि पूरा सिलेबस कराऊंगा और आपने पूरा सिलेबस कराया, लेकिन सिलेबस कराने वाला मैं नहीं हूं, वो टीचर है जो बेचारा मेहनत कर रहा है, तो उसको उसका सम्मान मिलना चाहिए, उसको उसकी मेहनत मिलनी चाहिए। मैं टीचर के लिए हमेशा से लड़ता आया हूं, तो उस टीचर को दुख ना हो, उस टीचर को उसकी पूरी सैलरी मिल जाए। मेरी आपसे निवेदन इतना है कि आप उस टीचर की सैलरी दिलाने में प्लीज स्कूल का थोड़ा सा सहयोग करें, थोड़ा सा आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी मजबूरी हो सकती है, आप विद्यालय आकर के मिलें। आपके बच्चे का सिलेबस हमने आज भी पूरा कराया अगर वो क्लासेस में था, क्योंकि आप काफी सारे बच्चों से फीडबैक ले सकते हैं, कुछ कमियां जरूर रह सकती हैं क्योंकि सिस्टम सभी के लिए नया था, लेकिन आगे आने वाले टाइम में मैं पूरा सिलेबस A to Z उसी तैयारी के साथ कंप्लीट कराऊंगा। ये आपको अंदर से फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो आपको आप अगर असमर्थ हैं, आपकी कोई मजबूरी है, आप आइएगा। डायरेक्टर सर बड़े लीनियंट है इस मामले में, आप उनसे आकर के मिलेंगे, वो आपकी मजबूरी को जरूर समझेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी पूरा स्कूल देखना है, पूरा खर्चा चलाना है। तो आप आइए, आपका विद्यालय आपका स्वागत करता है, और 6 महीने के बाद हम अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं और दिल से उनको पढ़ाना चाहते हैं, सो देट हम उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। आपने वीडियो को पूरा देखा, लास्ट तक देखा, इसके लिए दिल की गहराइयों से, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।